of hot coffee, beautiful surroundings, and anticipation of an action-packed adventure. That's what makes a beautiful morning for me. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Almost आधे घंटे से ट्रैक कर चुके हैं और अभी आके मैं ये व्लॉग ओपन कर रहा हूँ. बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड आई हैव टू रिमाइंड यू कि ये कौन से सीज़न में मैं शूट कर रहा हूँ. तो वो रिमाइंड करने के लिए चलते हैं ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट पे. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 22nd of March 2021, सुबह के 8:30 बजे. बाय द वे, ये ट्रैक कहाँ से शुरू होता है पता है? ये टेंट्स है, ये जो लास्ट वाला टेंट है ना, इसमें मैं सोया था रात को. वहाँ से अभी मैं कितना आया हूँ, 100 फुट 50 फुट जो भी है इतना चल के आया हूँ, और यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है. दिस इज द स्ट्रीम, ग्रुप से बाहर निकलो, ट्रैक स्टार्ट. और ये ट्रैक अगले कुछ मिनटों में आपको भी एंजॉय करना है हमारे साथ. सो रेडी फॉर दिस? सो दिस इज हाउ वी आर गोना वॉक. चलते चलते, वाओ, जस्ट वांट टू शो यू दिस, कितना क्लियर पानी है. इट्स एटलीस्ट 5 to 6 feet डीप. और नीचे जमा जो पत्ते हैं ना नीचे पड़े हुए, वो भी दिख रहे क्लियर. सो ब्यूटीफुल. वेल, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बैठ के मैंने आपके लिए व्लॉग स्टार्ट किया था, ओपन किया था. एंड रीज़न आई चूज दिस प्लेस, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं नेचुरल, लुक एट दिस, पॉटहोल्स देखने के लिए सिर्फ निगोस जाने की ज़रूरत नहीं है. सो मैनी पॉटहोल्स ओवर हियर, और कितने जायंट पॉटहोल्स है. छोटी छोटी जगहों में इतनी खूबसूरत चीज़ें. आई मीन, मैं तो अभी ऑलरेडी आई एम लाइक ऑस्ट्रक, बट अभी जब मैंने ये एक्सप्रेशन दादा के सामने दिया ना, ही वॉज लाइक अभी कहाँ कुछ देखा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है. तो मैं भी आपको वही कहूँगा ना, कॉपी पेस्ट, अभी बहुत कुछ बाकी है. क्रैप बनाने के लिए, क्रैप पकड़ने के लिए, तो क्या करते हैं इसको,
यहाँ से खाना डालते हैं उसके लिए, पैक करके रखते थे, और जो बिस्लरी बॉटल का कट करके अंदर उसको, अच्छा इसके अंदर बॉटल बांधा हुआ है, ओके। हाँ, एक बार वो क्रैब अंदर जाएगा खाने के लिए तो बाहर नहीं आ सकता, तो प्रॉपर बॉटल नेक मैकेनिज्म, ओके। उसको मतलब इसके अंदर जाएगा, खाएगा और उधर ही बैठेगा, बैठेगा, निकल नहीं सकता, फिर रात को सुबह निकाल के लेके जाते हैं। आइटम भारी है ना, एक गैलन आणि एक बिस्लरीची बॉटल, दोनों गोष्टी पाहिजे। अच्छा यार, नई नई चीज़ें सीखो। यहाँ पे आप ये अगर रोड देख रहे हो ना, तो दिस इज़ अ रोड जो कच्चा रास्ता है पगडंडी जैसा, ये कनेक्ट करता है वापस रिसोर्ट को। तो अगर आप यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो, अगर आपको कंप्लीट ट्रैक नहीं करना है तो, बट अपने को तो कंप्लीट ट्रैक करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इतने तो खड़गेंचा खजाना है अख्खा, कितने सारे पॉटहोल्स है और कितने डीप है। आई जस्ट टुक अ फोटो हियर, मेरे हाइट जितना, आई एम 6'2" और इतना डीप पॉटहोल बना हुआ है, लुक एट दिस, वाओ वाओ। सी बारिश में क्या नज़ारा होगा यार इधर का, जब ये भर के बहता है, सुपर। ये ऑलमोस्ट यहाँ से वहाँ तक पूरा फ्लैट है पूरा। ऐसा लग रहा था कि इजी है, इजी है, आराम से जा रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा यहाँ से आगे है। ये पूरा फ्लैट मैंने आपको बताया, ये लंबा ऐसा फ्लैट चल के जाना है, और लंबा फ्लैट चल के आने के बाद किधर पहुँचे मालूम है क्या? अभी ये ऐसा लंबा उतर के जाना है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट द एंड। अभी नीचे और एक है जो सबसे बड़ा है, जहाँ पर हमें स्विमिंग के लिए उतरना है, और वहीं पर अपनी सवारी भी आके खड़ी है, ऑलरेडी पहुंच चुकी है वहाँ पे अपनी सवारी। वैसे पानी के साइड में से ज़रूरत पड़ी तो पानी में उतरेंगे, तो अभी फाइनली आई गा माझ्या पायाला पाण्याचा स्पर्श होणार आहे। अभी तक मैं पानी को अवॉइड कर रहा हूँ, बट ठीक है, इसका मज़ा भी कुछ और है। तो बाबा सरकू नको फक्त। अब ये वाटरफॉल्स का थ्रिल शायद कम था, तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे एक गुफा है जिसमें एक ब्रह्मचारी बाबा साधना के लिए बैठे हैं। ये देखो वॉकी टॉकी लेके, मॉडर्न बाबा, बाबा सावली थे। अरे शपथ कसली डीप है जी, बा इतना डीप है वो अंदर, एक नंबर। सही है यार, मतलब अलग अलग चीज़ें दिखती जा रही है, मज़ा बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है। और इस तरह से हम ऑलमोस्ट अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, बट एज यू सी इन द फाइनल डेस्टिनेशन मूवी जो है, वो मूवी पूरा एक थ्रिलर है, वैसे ही ये भी है। जो आखिरी पड़ाव है वो सबसे बड़ा थ्रिलर है, क्योंकि यहाँ पे चल के जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। या तो आप स्विम करके जा सकते हो, या स्विम करके ही जा सकते हो। तो हमने ऐसा जुगाड़ सोचा है कि जाएंगे स्विम करके, लेकिन अपने ड्रोन को स्विमिंग नहीं आता ना, उसको फ्लाइंग आता है, तो अपने लिए एक खास सवारी आ चुकी है वहाँ पे, अगर पत्थरों पे आपको दिख रही हो तो। अभी वो राफ्ट यहाँ तक आएगी, अपना सब सामान लेके जाएगी, और फिर हम तैर के जाएंगे। अगले कुछ मिनटों तक कसरत चलने वाली है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ड्रोन, DSLR और फिर ये गिम्बल वगैरह सब मुझे पास ऑन करना है, जब तक
अभी आपने देखा अरविंद ताई को उधर छोड़ के बोट लेके वापस आएगा, उतने टाइम में अपने को सारे गैजेट्स राफ्ट तक पहुँचाने हैं, सो दैट गैजेट्स निकल जाएंगे, फिर हम सिर्फ गोप्रो लेके कूदेंगे पानी में। तो पहले ड्रोन और DSLR नीचे दादा के पास देके आता हूँ, फिर आपको लेके जाता हूँ, मतलब गोप्रो को लेके जाता हूँ। आधी चुनौती खत्म, अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबको लेके जाना है नीचे। ट्राई करूंगा सबको लेके जाने का, नहीं तो फिर बंद करूंगा कैमरा, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अभी यहाँ पे मुझे 4 स्टेप्स मिल गए थैंक्स टू अगेन द पॉटहोल्स, तो अभी मैं यहीं से जाऊंगा, इससे तो उतर लूंगी। 1 स्टेप हो गया, ये दूसरी यानी तीसरी इजी है, प्रश्न तो सबसे चौथी तरह से। आपको मैं दादा के हवाले कर रहा हूँ, टाक जोड़ा तुझा टाक हाँ आलस 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 डालो ये क्या पता नहीं आपको क्या दिख पाया कन्नड़ दिख गया जो भी था, ये वाला स्टेप खतरनाक था बट पहुँच गए अभी यहाँ तक। अभी अपने सारे गैजेट्स गिम्बल वगैरह सब पास ऑन करते हैं और इसको मैं वाटरप्रूफ केस डाल देता हूँ। हाँ दादा अपने सारे गैजेट्स लेके जा रहा है, सब ड्रोन गिम्बल DSLR सब कुछ गया राफ्ट में। अभी मैं और अरविंद यहाँ से तैर के जाने वाले हैं, मैं तो इज्जत में नीचे उतरूंगा, अरविंद इज गोइंग टू जंप, रेडी सर गो, एक नंबर। आपल्याला फक्त स्विमिंग पूलमध्ये उड्या मारता येतात, इकडे उड्या मारायची आपली हिंमत नाही, इथे मस्त 2 स्टेप आहेत, अवकाधित स्टेपवरून उतरणार आहे मी आणि पोहत पोहत जाणार आहे। आता पडतोय नीचे पूरा स्लिपरी है, रॉयल सफारी अभी बाकी है। अभी यहाँ से वापस जाना है, वो एक अलग टाइप की सवारी में जाना है। बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा सूखता हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये है अपनी सवारी। अभी यहाँ से पूरा ना ऐसा कच्चा रास्ता है, यहाँ से ऊपर चढ़ के भी जाना है, पूरा ऐसा ऑफ रोड है, पूरा 3 किलोमीटर जो ट्रैक करके आए ना पूरा चढ़ के जाना है। एंड अपने को लेने के लिए ये 4x4 थार आई हुई है, और अरे ये का है, हमारा जागा नहीं थार मधे, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आईला एवढा सुखा नहीं मानला, एक नंबर भारी है अरविंद, एक नंबर है। प्लीज आता इथे सीट बेल्ट नाही लावलाय म्हणून कोणी कमेंट करू नका, इधर एज यू नो वी आर इन द प्रॉपर्टी ओनली, और यहाँ से गिरेंगे तो सीधा वैसे भी खाई में गिरने वाले, सीट बेल्ट कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है सीट बेल्ट को लिए बख्श दो मुझे, जा देना का परत परत तेच दाखवते मी सीट बेल्ट नाही लावलाय, समोरचा रस्ता दाखव ना, सीट बेल्ट लावायची इज्जत पण नाही राहिली, समोर बघ समोर बघ। तर हा असा रस्ता आम्ही चाललेलो आहे, कल शाम का डायलॉग फिर एक बार, वी आर बैक टू द बेस, फिर से यहाँ पे रिसोर्ट में आ गए, और ये एक्सपीरियंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर पे
और एक प्लेस है, दिस अ केव, नेचुरल नहीं है, मैन मेड केव है। अभी मैं नाश्ता करूँगा और फिर निकलूँगा सबके साथ ऑब्वियसली, बिकॉज अपने को यहाँ का कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से आगे, बाय द वे लेट मी टेल यू द टाइम, अभी बजे है दोपहर के एक, तो दोपहर के एक बजे हम नाश्ता करने वाले हैं और नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे और आगे की प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। लेकिन आपको वो प्लेसेस देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आई एल एंड द व्लॉग ओवर हियर और इसी वाटरफॉल के एक्सपीरियंस के साथ चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके आप भी टाटा बाय बाय कर दो और चैनल छोड़ के मत जाओ, बाकी वीडियोस देखो। यहाँ पे एंड में एक दो वीडियोस के ऑप्शंस आएंगे, वो वीडियोस चेकआउट करो, या फिर पूरे चैनल में बहुत से वीडियोस है, 100 के ऊपर वीडियोस है, जो मन में आए वो वीडियो देखो। तब तक आगे का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।